दिलीप वलसे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि हम मानते हैं कि देश में शरद पवार के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को कभी बहुमत नहीं दिया। अजित गुट के मंत्री की शरद पवार के विरोध में टिप्पणी से किसको आया गुस्सा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अजित पवार गुट के नेता और कई सालों तक शरद पवार के सहयोगी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप वलसे पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा कि जनता ने बहुमत देकर एक बार भी पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वहीं इस पाटिल के इस बयान से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई, क्योंकि वलसे पाटिल भले ही अब अजित पवार के साथ है, लेकिन उन्हें पवार का काफी वफादार माना जाता था। अजित पवार गुट के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के शरद पवार के खिलाफ बयान से एनसीपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया है। वलसे ने बयान दिया कि शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी, पवार को कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। दिलीप वलसे ने पाटिल ने ममता बनर्जी, मायावती समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का उदाहरण दिया और कहा कि ये पार्टियां अपने बल पर सरकार बना सकती है, जबकि एनसीपी की ताकत 60-17 सीटें ही जीतने की है। इस मुद्दे पर विवादित बयान पर अब दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई दी है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक पाटिल की बातों को सच मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।